लखनऊ में बुधवार को विधानसभा और लोक भवन के बाद अब आपको बताते चले कि आज यानी गुरुवार को फिर किसी भी खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक हथियारों के साथ एनएसजी कमांडो ने संयुक्त मॉक ड्रिल ऑपरेशन किया और इस दौरान हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो उतरे और मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान एक पल के लिए सच में ऐसा लगा था कि कोई आतंकी हमला हुआ है। विधानसभा और लोक भवन के बाद आज फिर से जो डीजीपी मुख्यालय है यानी कि पुलिस मुख्यालय है वहां पर आज मॉक ड्रिल की गई और इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी जो कमांडोज हैं उन्होंने मोर्चा संभाला और इस दौरान जितना भी आसपास की भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही, साथ ही वाहनों का जो आवागमन है उसे भी सुबह से ही मॉक ड्रिल के चलते रोक दिया गया था। आपको ये भी बताते चले कि आतंकी हमला, ताबड़तोड़ फायरिंग और बम ब्लास्ट के बीच में एनएसजी करीब सुबह ही पहुंच गई और आतंकी हमला जो होता है उससे कैसे बचाव कर सकें इस पूरे का एक डेमोंस्ट्रेशन दिखाते हुए ये एक जो पूरा यहाँ पर आयोजन किया गया और फायरिंग के बाद ही यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया कि किस तरीके से चाहे वो लोक भवन हो, चाहे वो बड़ी जितनी भी बिल्डिंग हो, विधानसभा हो, चाहे वो पुलिस मुख्यालय हो, वहाँ पर बम ब्लास्ट अगर होता है तो उससे बचाव कैसे किया जाए, इसमें जो पूरा एक डेमोंस्ट्रेशन है वो यहाँ पर किया गया था। और आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनएसजी के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से 7 आतंकियों के लोक भवन के भीतर होने की भी जो सूचना मिली है एनएसजी कमांडो पर, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया था। भंग धमाके की सूचना पर भी विधानसभा के आसपास जो भगदड़ मच जाती है और उसको पूरे को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इन सभी को दिखाते हुए, स्थितियों से जूझते हुए आज फिर यानी गुरुवार को यानी कि थर्सडे को पुलिस मुख्यालय पर एक पूरा डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पर किया गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जितने भी एनएसजी की टीम्स हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल चल रहा है ये बेहद काफी अच्छा प्रूफ हो रहा है, क्योंकि जितनी भी सूबे की राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूँ, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी पॉश एरियाज में बनी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर मॉक ड्रिल हो रहा है और ये फिलहाल चाहे वो लोक भवन हो, चाहे वो विधानसभा हो या आज पुलिस मुख्यालय हो, यहां पर फिलहाल एनएसजी के जवान इसे सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।